दुनिया के सबसे अमीर इंसान इलॉन मस्क, इनकी टोटल नेटवर्थ है 240 से 260 बिलियन डॉलर्स के अप्रोक्सीमेट। इलॉन मस्क रिसेंटली ये कहा कि मैं टेस्ला और भी वेरियस कंपनी के जो इनके शेयर्स है उससे बेचकर 43 बिलियन डॉलर्स इकट्ठा करके ट्विटर परचेस करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि एक बार को ट्विटर की 100% ओनरशिप इनके पास आ जाए तो ये कम्प्लीटली ट्विटर को रिवोल्यूशनाइज कर देंगे, लोग काफ़ी पसंद करेंगे। मगर अचानक से सऊदी अरेबिया के कई प्रिंस बीच में आ गए और ये ब्लॉक कर दिए इलॉन मस्क का टेक ओवर। एक्चुअली इलॉन मस्क का ट्विटर परचेस करने का मेन पर्पस है ट्विटर पर फ्री स्पीच को प्रमोट करना। इलॉन मस्क के अनुसार ट्विटर पर फ्री स्पीच को दबाया जाता है। वैसे यह बात ट्विटर के फॉर्मर सीईओ जैक डोर्सी भी एक्सेप्ट कर चुके हैं कि जो इनकी इम्प्लॉयज हैं या शेयर होल्डर्स हैं ये काफ़ी लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, यानी लिबरल विचारधारा के लोग हैं। मगर जो ट्विटर पर राइट विंग वाले लोग होते हैं, चाहे वो कोई कंट्री से हो, उसे ऑल टुगेदर ब्लॉक कर दिया जाता है। लेकिन लेफ्ट विंग वाले को बहुत छूट मिलता है। इसी डिस्क्रिमिनेशन को देखते हुए इलॉन मस्क मानते हैं कि कोई आदमी लेफ्ट या राइट विंग के हो, उसको बोलने का 100% अधिकार है, उससे बिना बोले ब्लॉक नहीं किया जा सकता है, वो आर्गुमेंट कर सकता है।